सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से इस तरह की एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अगर दोस्तों आप इस तरह की एक वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने फ़ोन से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको blogger.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखिए क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जिस जीमेल आईडी पर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी है उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने सेकंड पेज आएगा, यहाँ पर आपको फ़िलहाल इसको नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का जो एड्रेस है वो दे देना है। तो यहाँ पर मैं ये एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया है। तो यहाँ पर आप जो भी एड्रेस दोगे, अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये अवेलेबल है। अगर आपका जो एड्रेस है वो अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा रेड कलर में। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले नाम आप देना चाहते हो, डिस्प्ले नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर यही टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर आप जैसे क्लिक कर गए, यहाँ पर देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्लॉग है वो जो आपने वेबसाइट बनाई है वो कुछ इस तरह की यहाँ पर दिखाई देगी। अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट ऐड करना है मूवी डाउनलोड का। वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है कस्टमाइज। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रेस्टोर पर क्लिक करना है। रेस्टोर पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आपने उसको डाउनलोड किया होगा उस फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा और इस टेम्पलेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। बस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखिए, अभी कोई पोस्ट हमने नहीं किया है, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ना ही कोई मूवी अपलोड किया है। तो आपको ये सब करना है, पोस्ट लिखनी है और मूवी अपलोड करनी है। तब जब दोस्तों आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर कुछ पोस्ट यहाँ पर डाल दोगे, तब जाकर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो। और जब आप यहाँ पर इसको डेस्कटॉप मोड पर करोगे तो डेस्कटॉप मोड पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर की साइड आप लोगो देख सकते हो, योर लोगो, आप अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट में, यहाँ पर देखिए हीडर वाला, हीडर वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये इमेज यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हो।
और यहाँ पर दोस्तों आप कैसे मूवी को अपलोड करोगे अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो, और इस वेबसाइट से आप पैसे कैसे कमाओगे वो भी जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मूवी अपलोड कैसे कर सकते हो और पोस्ट कैसे लिख सकते हो, और भी सेटिंग के बारे में बताऊँगा, आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हो उससे आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।